झारखंड के तमाम बड़ी छोटी खबर और देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रांची में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे चार युवक की मौत, कार के परखच्चे उड़ गए। झारखंड में कल एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। सभी पिकनिक मनाने दशम फॉल जा रहे थे। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि सभी सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के रहने वाले थे। घटना जमशेदपुर के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के निमडीह में डडुआ के पास की है। यह खबर है धनबाद से। कोल इंडिया में नहीं करेगी बीसीसीएल की आर्थिक मदद, नए ग्राहक तलाशने का चेयरमैन ने दिया निर्देश। घाटा से उबरने में कोल इंडिया बीसीसीएल की कोई आर्थिक मदद नहीं करेगी, यह खरी खरी कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने की। सोमवार को अग्रवाल धनबाद आए हुए थे। उन्होंने कोयला नगर गेस्ट हाउस में बीसीसीएल के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशकों के साथ मैराथन बैठक की। तकरीबन ढाई घंटे चली बैठक में अग्रवाल ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, उत्पादन एवं डिस्पैच की जानकारी ली। अधिकारियों को स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। यह खबर है रांची से। सरकार की वर्षगांठ पर चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, डीसी एसएसपी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का एक वर्ष पूरे होने में मंगलवार को भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार की दोपहर रांची डीसी छवि रंजन तथा एसएसपी सुरेंद्र झा ने सुरक्षा के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा है कि समारोह में हमें एक साथ दो अलग अलग मोर्चे पर काम करना होगा। यह खबर है जमशेदपुर से। रघुवर दास के खिलाफ कारोबारियों संगठन ने खोला मोर्चा, राष्ट्र उपाध्यक्ष पद से हटाने की चैम्बर ने की मांग। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक शंकर लाल मित्तल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्र उपाध्यक्ष द्वारा व्यापारियों को माफिया व दलाल की संज्ञा देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही मामले की शिकायत भाजपा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह से कर रघुवर दास को तत्काल प्रभाव से भाजपा के राष्ट्र उपाध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की है। सावधान, सरकार मुफ्त में नहीं दे रही है लैपटॉप, ऐसे मैसेज से रहे अलर्ट। झारखंड के डीजीपी ने की ये अपील। देश के सभी छात्राओं को सरकार मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। फ्री लैपटॉप लेने के लिए आप गोव लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करें, इसके लिए लिंक भी दिया गया है। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमबी राव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ट्वीट कर जानकारी दी है कि आम लोगों के पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो गोव लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करें, यहाँ लिंक भी दिया गया है। आप साइबर अपराधियों के झांसे में नहीं आए, आप इस मैसेज को जवाब नहीं दे, ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो आप सतर्क रहें, आपकी सतर्कता ही हमारी सुरक्षा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर को आयशु पार्टी मनाएगी विश्वासघात दिवस। आयशु पार्टी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में जन पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की नाकामयाबी को गिनाया जाएगा। इतना ही नहीं, आयशु पार्टी की नज़र बंगाल चुनाव पर भी है। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में आयशु के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयशु पार्टी के रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पिछले दिनों बैठक हुई थी। जिला प्रभारियों की बैठक में अध्यक्षता आयशु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने की थी। इसमें इन बातों पर सहमति बनी थी। जिला प्रभारी की बैठक में कहा गया कि झामुमो महागठबंधन की सरकार ने राज्य के जनता के साथ विश्वासघात किया है। सत्ताधारी दल ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ। पीएम आवास योजना के लिए 8 तरह के मॉडल तैयार, जाने किन जिलों के हैं कौन सा मॉडल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासों के निर्माण के लिए 8 तरह के मॉडल तय किए गए हैं। अलग अलग जिलों के लिए ये मॉडल तय किए गए हैं। जिन जिलों में जिस तरह के मटेरियल आसानी से उपलब्ध हैं, वहाँ के लिए उसी के अनुरूप आवास निर्माण कराने की छूट दी जाएगी। यह प्रावधान है कि आवास निर्माण के लिए लाभुक की ओर से आवेदन आने पर
विभागीय मंत्री की सहमति लेकर बनाने की अनुमति दी जाएगी। लोगों पर बोझ डाले बिना स्थिति बेहतर की, सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर बोले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार के एक वर्ष कार्यकाल का पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कोरोना संक्रमण काल में राजस्व संग्रहण प्रभावित हुआ। लॉकडाउन में उत्पाद वेट और जीएसटी से प्राप्त होने वाली राशि में कमी आई। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी लगवाएंगे कोरोना का टीका, दे दी है मंजूरी। रूस ने अगस्त महीने में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था, जबकि उस समय वैक्सीन का ट्रायल पूरा भी नहीं हुआ था। उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी ने भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया था। अब राष्ट्रपति पुतिन खुद भी यह वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्रेमिकल प्रवक्ता दमित्री पेस्को ने एक रूसी टीवी चैनल को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन को कोरोना का टीका लगवाया जाएगा, यह फैसला उन्होंने खुद लिया है। क्या इस हफ्ते भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी, जानिए ताजा अपडेट। ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में यह कब होगा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही यह पता चल पाया है कि देश में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन की मंजूरी मिलेगी। लेकिन यह संभावना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सबसे पहले आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति इस हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए आवेदन की जांच कर सकती है। रेलवे ने बढ़ाई ट्रैफिक असिस्टेंट पदों की संख्या। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोलकाता मेट्रो रेलवे में एनटीपीसी के तहत विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि कर दी है। आरआरबी ने जारी अधिसूचना में कहा है कि आरआरबी कोलकाता के तरफ से मेट्रो रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट पदों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CEN 1/2019 में अधिसूचित रिक्तियों को संशोधित किया है। ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती के लिए रिक्त पदों को पहले विज्ञापित 87 से बढ़ाकर अब 160 कर दिया गया है। इस संबंध में सूचना rrb.kolkata.gov.in तथा अन्य रीजनल आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जनवरी में जारी होगा प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म, जाने क्या है परीक्षा पैटर्न। कॉमन लॉ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च है, जबकि परीक्षा 9 मई 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शाम की शिफ्ट में 3 बजे से 5 बजे तक बीच होगी। CLT परीक्षा 5 साल के इंटीग्रेटेड LLB और LLM कोर्स में एडमिशन के लिए होती है। रश्मिका बंदाना के हाथ लगा एक और बॉलीवुड प्रोजेक्ट, अमिताभ बच्चन के साथ आएंगी नजर। साउथ स्टार रश्मिका मंदाना साल 2020 की नेशनल क्रश बन चुकी है। वही 24 साल की उम्र में रश्मिका बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने जा रही है। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के बाद रश्मिका की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है। वो सिद्धार्थ मोहतला के साथ मिशन मजनू में नजर आएंगी। सामने आई सोनू सूद की किताब आई एम नो मसीहा, शेयर करते ही वायरल हुआ वीडियो। कोरोना वायरस की वजह से इस साल देश भर में लंबे समय के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद ने फिल्मों में हटकर अपनी एक अलग छवि लोगों के बीच बनाई है। सोनू ने इस दौरान दूर दूर तक फंसे हुए प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में जो मदद की उसे देश कभी नहीं भूल सकता। इस वजह से लोगों ने सोनू को एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया है। लखनऊ के जैन मंदिर में अनोखा संग्रह, 800 साल पुराना हस्तलिखित ग्रंथ हुआ 1000 साल पुरानी प्रतिमा है खास। जैन समाज मंदिर भी अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। मंदिरों में कला से उत्कृष्ट नमूने के साथ ही असियाना के जैन मंदिर में 1 साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा लोगों को अपनी ओर खींचती है। मैनपुरी मंदिर से आए इन प्रतिमाओं को दिगंबर जैन मुनियों के सानिध्य में स्थापित किया गया। मंदिर में संगमरमर के बने भगवान महावीर की 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा सभी 24 तीर्थंकर की याद दिलाते हैं। 800 साल पुराने हाथ से लिखे जैन ग्रंथ समाज को एक नई विचारधारा से जुड़ता है।
महाभारत में ये सात लोग जानते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का क्या होगा परिणाम। महाभारत का युद्ध आज से 5157-58 वर्ष पर हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ तब से ही पांच ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि युद्ध होगा, इसका परिणाम क्या होगा। वे लोग थे श्री कृष्ण, दूसरा भीष्म, भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त था, ऋषि वेदव्यास, इनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त था, सहदेव, पांडवों में एकमात्र सहदेव की तीर्थकालदर्शी थे, संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु दिव्य दृष्टि प्राप्त था, और सातवां था कृपाचार्य जो भी दिव्य दृष्टि थे। नेपाली पीएम केपी ओली को साधने के लिए चीन ने उतारी फौज, भारत की पैनी नजर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मास्टर स्ट्रोक से घबराए चीन। रेगन ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने के लिए अपनी पूरी फौज उतार दी है। पीपीआई सूट पहनकर चार्टर विमान से काठमांडू पहुंचे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मुख्यमंत्री गुओ येजू ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। गुओ ने भी अभी तक राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, पीएम ओली, उनके विरोधी पुष्क कमल दहल प्रचंड के साथ बैठक की है। इस बीच नेपाल की आंतरिक राजनीतिक में चीन के सीधे सीधे हस्तक्षेप पर भारत ने भी अपनी नजर पैनी रख दी है। खबर खेल जगत से, 9 साल पहले धोनी के एक फैसले ने आज उन्हें दिलाया दशक का खेल भावना पुरस्कार। पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने इस दशक के खेल भावना पुरस्कार के लिए चुना है। धोनी ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंगम टेस्ट के दौरान शानदार खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए विवादास्पद तरीके से रन आउट हुए इयान बेल को बल्लेबाजी के लिए वापस बुलाने का फैसला लेकर खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। धोनी को आईसीसी ने दशक की वनडे और टी20 टीमों का कप्तान भी बनाया है। धोनी को मिला आईसीसी का बड़ा अवार्ड, विराट कोहली चुने गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। आईसीसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस दशक के कई अवार्ड की घोषणा की है। आईसीसी का दशक का क्रिकेट का भावना पुरस्कार, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। वहीं विराट कोहली आईसीसी द्वारा इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक के सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा है। यह पुरस्कार हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ने वाले दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। देश की 100वीं किसान रेल को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों को आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। अमर्त्य सेन ने छेड़े देशद्रोह, राग के तार, बोले देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश घटी। नोबेल पुरस्कार विजेता और शास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होते जाने को लेकर रोष प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बगैर मुकदमे के जेल भेजा जा रहा है। हालांकि अक्सर ही सेन की आलोचना के केंद्र में रहने वाली भाजपा ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। पश्चिम बंगाल से है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और अमर्त्य सेन के बीच खींचातान जारी। ममता ने जमीन वापस लेने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कर्मस्थल शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी और ममता सरकार के बीच तनातनी का केंद्र बन गया है। यूनिवर्सिटी ने शांति निकेतन की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को जो सूची जारी की है उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और शास्त्री अमर्त्य सेन का नाम भी शामिल है। इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की है, जिसमें कहा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर निर्माण किया है, इससे उनके रास्ते रोक दिए गए हैं। सरकार ने देशवासियों को किया अलर्ट, कहीं आपके पास भी नहीं आया है यह मैसेज। कोरोना वायरस के चलते ज्यादातर काम ऑनलाइन होने लगे हैं। जब से बैंकों में डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ा है तब से साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हो गई है। अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं।
जिसमें किसी इनाम लॉटरी गिफ्ट के नाम पर पैसे लूटना काफी आम हो गया है। आपके पास भी कई तरह के लुभावने मैसेज आते होंगे और गलती से अगर आप उनमें चंगुल में फंस गए तो आपके खाते से आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ा लिया जाता है। ऐसे में अब कस्टम विभाग ने भी इन फ्रॉड से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।